दिवाली करीब है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकारों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का दावा है कि उत्तरी राज्यों में किसानों का पराली जलाना कम हो गया है। अगर ऐसा है तो फिर हवा में सांस लेना मुश्किल क्यों हो रहा है, सांस की तकलीफ क्यों बढ़ रही है, और ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं पाकिस्तान की भी क्यों है? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। इस साल कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तमाम देशों ने जब लॉकडाउन का रास्ता अपनाया तो प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ। वजह थी कई महीनों तक सड़कें खाली रहीं, कारखाने बंद रहे और लोग घरों में ही रहे। उम्मीद जताई जाने लगी कि इस साल ठंड के मौसम में प्रदूषण का हाल शायद पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन नवंबर आते आते हवा फिर जहरीली हो गई। फिर कहा जाने लगा कि पराली जलाने की वजह से ये समस्या बढ़ रही है, पराली पर प्रतिबंध कारगर नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर किसान प्रतिबंध के बावजूद पराली क्यों जला रहे हैं। जलती हुई पराली से निकलता हुआ धुआं। चंडीगढ़ से पंजाब के 4 जिलों का दौरा करते हुए हमें पराली जलाने के कम 10 मामले देखने को मिले। मैं इस वक्त पंजाब के पटियाला जिले में हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पराली को किस तरीके से आग लगाई गई है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद पंजाब में जो पराली को लगातार इसी तरीके से जलाया जा रहा है, बल्कि पिछले साल से भी ज़्यादा मामले देखने में सामने आए हैं। किसान का ये कहना है कि वो मजबूरी की वजह से पराली जला रहा है। ये हैं किसान अवतार सिंह। इनका कहना है कि पिछले साल इन्होंने पराली नहीं जलाई क्योंकि इन्हें सरकार से आर्थिक सहायता की उम्मीद थी, पर मिला कुछ नहीं। वे कहते हैं कि वादे के अनुसार मुआवजा और मशीनें ना मिलने पर किसान पराली ना जलाए तो क्या करें। किसानी की हालत तो बद तो बदतर है, पहले ही खुदकशियां दे राह पे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा है भी पंजाब गवर्नमेंट ने हुक्म किया कुछ दो, पर इन्होंने अज तक 1 रुपया नहीं दिता जी। किसानी की हालत तो माड़ी होने करके कदम चकना पैंदा, अग लाउणी पैंदी। अवतार सिंह कहते हैं कि कुछ किसान केंद्र सरकार के खेती के नए कानूनों से भी गुस्साए हुए हैं और इसलिए भी पराली जला रहे हैं। गुस्सा भी है लोगों का, गुस्सा हुण जिहड़े काले कानूनां दा गुस्सा हर एक किसान च, मजदूर च, छोटे दुकानदार च, हत्थी काम करन वाले लोगों च गुस्सा है जी, गुस्से दी लहर है। 21 सितंबर से 1 नवंबर के सरकारी डेटा से पता चलता है कि इस वर्ष पराली जलाने के 33,165 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं, जो पिछले साल इस समय के दौरान 24,726 थे, यानी इस साल लगभग 8,500 मामले ज्यादा। सरकार का दावा है कि वे सभी उपाय कर रही है। फार्मर्स को तकरीबन पिछले साल तक 52,000 मशीनरी जो कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए थी वो दी गई थी, इस साल 23,000 मशीनरी और दी जा रही है। खेती और आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन कहते हैं कि किसान इसलिए पराली जलाता है क्योंकि उसे ना जलाने का खर्च वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो विंडो पीरियड का आर्गुमेंट है और दूसरा आर्गुमेंट जो वो दे रहे हैं कि हमें जो सोल्यूशन बताए जा रहे हैं कि इंसिटू इनकॉर्पोरेशन करें, वो सोल्यूशन मशीनरी एक्स्ट्रा मशीनरी पर पैसा खर्चना पड़ता है, अगर वो कंबाइन के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट भी लाना पैंदा है तो भी वो एक्स्ट्रा उन्होंने पैसे देने पैंदे हैं। इसका मतलब अगर वो किराए पर भी मशीनरी लेता है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है कि किसान को इस मुश्किल से निकालने के लिए किसान से बात करके साइंटिफिक सलूशन जो है ऑल्टरनेट वो सोचनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में पराली जलाने को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं और कई विकल्पों को प्रयोग में लाया गया है, पर आज भी पराली ऐसे ही जलाई जा रही है और लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी चंडीगढ़। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर शहर का भी यही हाल है। यहाँ लॉकडाउन में प्रदूषण कम हुआ था, लेकिन कल यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 तक दर्ज किया गया, यानी बेहद खतरनाक स्तर। कई लोगों का कहना है कि दोनों तरफ के पंजाब में पराली जलाने के कारण लाहौर का ये हाल है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पराली जलाना एक छोटा कारण है, असल समस्या कहीं और है। आइए देखते हैं बीबीसी संवाददाता अली कासमी की रिपोर्ट। पिछले साल नवंबर में
मैंने अपने लिए एक N95 मास्क खरीदा था। उस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, और ये मास्क मैंने अपने आप को लाहौर की इस जहरीली स्मॉग से बचाने के लिए लिया था। सर्दियों के मौसम में न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में ये स्मॉग एक बिन बुलाया मेहमान बनकर आती है। अब तो चलो कोरोना की वजह से मास्क लगा लेते, लेकिन सांस लेना भी मुश्किल होती थी और आंखों में तो बहुत ही इरिटेशन होती थी। यही है कि बाहर निकलना ही छोड़ते हैं और हम क्या कर सकते हैं। स्मॉग सीजन आने को है, अगले 2-3 हफ्तों के अंदर आ जाएगा। अब जो क्रॉप बर्निंग है ये सालाना तौर पे नहीं होती, ये सिर्फ जब खरीफ से रबी और रबी से खरीफ आप फसलों को चेंज कर रहे होते हैं उस वक्त 2 हफ्तों के लिए साल में 2 दफ़ा फसलें जलती हैं, मगर पूरे साल के लिए बेडफोर्ड के ट्रक जो हैं वो GT रोड पे चढ़ते हैं जो कि डीजल का धुआं फेंकती रहती हैं। पूरे साल डीज़ल और कोयले के IPPs हैं जो कि बिजली पैदा कर रही होती है। तो हमें ये भी मसले देखने पड़ते हैं, दीज आर एक्चुअली द मेजर इशूज़, हम छोटे इशूज़ के पीछे भाग रहे हैं। ये अज तो ना 10 साल पहला बहुत रिवाज से हर जिमीदार के पाकट माचिस होंगी सी, जिथे जाना यार अग लाओ। 10 साल तो बाद साइंस ने इन्नी कु तरक्की की है, अल्लाह पाक ने जिमीदार शौर देता है, अग इस टाइम जी है ना साढ़े मुल्क इतने इलाके तकरीबन 7-8% लगी है। वह भी जिन्हें मुंजिया डिग पाइं, जिन्हें हार्वेस्टर कराए, जिन्होंने शौर कोई नहीं सी। इस वक्त हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की 43% कंट्रीब्यूशन है व्हीकलर जो एमिशंस होते हैं उसका, और अगर हम 43% को ख़त्म कर लेंगे तो इट विल बी अ बिग चेंज। इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज नाल, जरी टेक्नोलॉजी के लिहाज नाल पाकिस्तान नालों एडवांस चल रहा, खुद कफील है, ठीक है ना। उन्होंने सस्ती चीज़ा अवेलेबल होंगे, खुद तैयार कर लेंगे। तो मेरा तो ख्याल है, मेरा उन्होंने भी पैगाम है कि वह भी इस चीज़ तो बचन। दुनिया का अगर कुरा हवाई का टेंपरेचर ठीक रहेगा, माहौल साफ रहेगा, तो सारे जिंदा रहेंगे, तो सारा कुछ ठीक रहेगा। तो कुछ लोगों ने तो स्मॉग सीजन को पंजाब का 5वां मौसम भी कहना शुरू कर दिया है, जिसकी इंटेंसिटी में हर साल इजाफा होता है।